आइए हम गिनती की पुस्तक 18 अध्याय उसके एक पद को पढ़ें, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने हारून से कहा कि पवित्र स्थान के अधर्म का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा, और तुम्हारा याजक कर्म के अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों पर होगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर लेवियों को बताते हैं कि अब जो कुछ भी घटित होगा उसके लिए वे ही उत्तरदायी होंगे। मित्रों, हमें याद रखना होगा कि कोरह भी एक लेवी था। इस बलवे का उद्गम भी लेवी समाज में ही हुआ था। यह एक गंभीर बात है और परमेश्वर कहता है कि अब से लेवी वंशज ही जिम्मेवार ठहरेंगे। मित्रों, आज हम जिम्मेवार हैं अपनी मसीह गवाही के लिए, परिवारों और कलिसिया के लिए भी। इनके चारों ओर अधिकतर लोग बसे हुए हैं और स्वयं को दूसरों से अधिक पवित्र समझते हैं, अपनी पवित्रता का ढिंढोरा पीटते और यह कहकर कि कलीसिया विश्वास से भटक गई है इसका ठट्ठा उड़ाते हैं। परंतु सच तो यह है कि जब चर्च में पाप घर कर जाता है तो उसमें कुछ हद तक हमारी भी जिम्मेवारी होती है। हम अपने जीवन में पाप के प्रति उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते हैं। हमारे जीवन का पाप, हमारे परिवार में पाप और कलीसिया में पाप की जिम्मेवारी से हम अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। मित्रों, यही बात ईश्वर हारून से कह रहे हैं। लेवियों के मध्य सभी घटनाओं को देखकर हारून स्वयं को उनसे बेहतर का दृष्टिकोण नहीं अपना सकता। हारून स्वयं को ऊंचे पर चढ़ाकर यह दावा भी नहीं कर सकता है कि वह ईश्वर का चुना हुआ है या वह महायाजक नियुक्त किया गया है। परमेश्वर के सेवक को नम्रता से चलना है। परमेश्वर का प्रत्येक जन अपनी जिम्मेवारी समझता है। हम गिनती की पुस्तक 18 अध्याय उसके 2 और 3 पद में आगे पढ़ते हैं, और लेवी का गोत्र अर्थात तेरे मूल पुरुष के गोत्र वाले जो तेरे भाई हैं उनको भी अपने साथ ले आया कर, और वे तुझ से मिल जाएं और तेरी सेवा टहल किया करें। परंतु साक्षी पात्र के तंबू के सामने तू और तेरे पुत्र ही आया करें। जो तुझे सौंपा गया है उसकी और सारे तंबू की भी वे रक्षा किया करें। परंतु पवित्र स्थान के पात्रों के और वेदी के समीप ना आए, ऐसा ना हो कि वे और तुम लोग भी मर जाओ। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि परमेश्वर उनके सेवा कार्यों की विस्तार पूर्वक सूची देते हैं कि हारून और उसके पुत्र साक्षी पात्र के पवित्र स्थान, साज सज्जा का सामान और वेदी की सेवा करेंगे। तब परमेश्वर उन भेंटों की विस्तार पूर्वक व्याख्या में उन भेंटों को बताते हैं जो केवल पुरोहित अर्थात याजकों के लिए है। उनका संचालन भेंटों के एक भाग से होना है, परंतु हिलाई भेंट लहर बलि संपूर्ण रूप से याजक के लिए ही होगी। लहर भेंट होम बलि की तरह वेदी पर नहीं चढ़ाई जाती थी, वरन पुरोहित को समर्पित थी। मित्रों, हम गिनती की पुस्तक 18 अध्याय उसके 19 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटे इसराइली यहोवा को दे, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। मेरे मित्रों, यहाँ पर ध्यान दें कि इस प्रकार की वाचा पर उस दिन मुहर अर्थात छाप लगा दी गई है। नमक को प्रतिदिन के भोजन और प्रभु के लिए भेंटों में आवश्यक रूप से शामिल किया गया है। नमक की वाचा एक अस्थाई विधान की वाचा बन गई। हम पढ़ते हैं आगे गिनती की पुस्तक उसके 18 अध्याय के 20 पद में, फिर यहोवा ने हारून से कहा, इसराइलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा और ना उनके बीच तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। हारून और सब लेवियों को भूभाग नहीं प्राप्त हो सकेगा। उनके पैतृक संपत्ति नहीं होगी। उनके पास खेत खलिहान, अंगूर रस कुंड, जैतून वृक्ष इत्यादि कुछ भी नहीं होगा। स्वयं परमेश्वर यहोवा ही उनकी संपत्ति थी। क्या आज की साधारण भाषा में मैं यूं कह सकता हूँ, कलीसिया के लोगों को उनके
पुरोहित का खर्च वाहन करना चाहिए। आत्मिक भोजन देने वाले को खर्च अवश्य ही देना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति अपना खेत खलिहान, बाजार या व्यापार या दफ्तर का समय आपके लिए देता है। मेरे मित्रों, ईश्वर के अनेक विश्वास सेवकों को यहाँ अथवा परदेश में जो कार्य दिए गए हैं उनमें जीवन निर्वाह के लिए कोई दूसरी नौकरी तलाशनी नहीं पड़ती है। यह स्थिति सचमुच में दयनीय है, इससे सेवा को धक्का पहुँचता है। परमेश्वर ने लेवीय सहायता देकर कलीसिया को, उसके पुरोहित को संपूर्ण सहायता देने का सुंदर उदाहरण पेश किया है। मैं मानता हूँ कि प्रभु की ओर से प्राप्त होने वाली वस्तुओं के लिए उसकी ओर देखने में कोई समस्याएं नहीं हैं, अर्थात कई बार समस्याएं भी आती हैं, परंतु यह भी एक अद्भुत अनुभव है। मैंने अपने जीवन काल में कई वर्ष सेवकाई में गुजारे हैं, यद्यपि अनेक बार कठिनाई के दिनों में हमारे विश्वास की परख भी हुई थी, परंतु इस परिस्थिति में भी अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं घटी। मैं साक्षी हूँ कि प्रभु परमेश्वर भला है। इस कमजोर निर्बल सेवक के लिए उसने महान कार्य किए हैं। यही बात दाऊद अध्याय 16 में भजन संहिता में कहता है, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तो स्थिर रखता है। यह एक अद्भुत अनुभव है कि ईश्वर की विरासत रूप में ग्रहण करें और उसे अपना भुगतान चुकाने वाला मानकर प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्भर रहें। यह सचमुच एक महिमामय पद स्थिति में रहने के समान है। प्रभु ने लेवी वंशज को इसी स्थिति में रखा कि वे विश्वास से जीवित रहें। हम गिनती की पुस्तक 18 अध्याय उसके 21 से 23 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं उसके बदले में उनको इसराइलियों का सब दशमांश उनका निज भाग कर देता हूँ, और भविष्य में इसराइली मिलाप वाले तंबू के समीप ना आए, ऐसा ना हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वे मर जाएं। परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करें और उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करें। यह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे और इसराइलियों के बीच उनका कोई निज भाग ना होगा। मित्रों, उन्हें मंडली की सेवकाई तंबू में करनी थी और उनका निर्वाह इसराइल के दशमांश पर निर्भर था। इसका मतलब था कि लेवियों को विश्वास से चलना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रचारक व चर्च के पदाधिकारियों को चर्च को देना चाहिए? आजकल अनेक लोग सोचते हैं कि नहीं। इस बारे में एक बात कहना चाहूँगा, हम यह मूसा की व्यवस्था के नियम कानून की चर्चा कर रहे हैं, यद्यपि आप और मैं मूसा की पद्धति के अनुसार नहीं जीते, परंतु उसके द्वारा अनेक सिद्धांत प्राप्त होते हैं जो लाभकारी हैं। वे हमारे मार्गदर्शक ठहरते हैं जब हम प्रश्नों के जाल में फंस जाते हैं। तब आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। गिनती 18 अध्याय उसके 25 और 26 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इसराइलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाए हुए भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। मित्रों, परमेश्वर ने लेवियों से कहा कि जो भेंट वे प्राप्त करते हैं उसमें से दशमांश वापिस करें। आपसे भी मेरा आग्रह है कि मसीही सेवकों को भी प्रभु के कार्य के लिए देना चाहिए। उन्हें अपने कलीसिया में देना चाहिए और कलीसिया के द्वारा ही कलीसिया को अन्य कार्यक्रमों के लिए भी देना चाहिए। मित्रों, मैं स्वयं सेवा कार्य के लिए दान देता हूँ और अपने सहयोगियों से भी ऐसा करने को कहता हूँ। मेरे मित्रों, हमें बहुत से मनोरंजक तथा उत्साहवर्धक अनुभव प्राप्त हुए हैं। अपनी एक नीति के अनुकूल हम बहुत सी पुस्तकें, टेप इत्यादि प्रचारकों को मुफ्त में देते हैं, एक भी पैसा वसूल नहीं करते। परंतु क्या आप जानते हैं कि वे उनमें से आधे मूल्य चुका देते हैं? मित्रों, हमारे पास कई ऐसे सेवक हैं जो अपने विश्वास में कमजोर हो रहे थे, बहुत निरुत्साहित भी थे, पर उन्होंने हमारे कार्यक्रमों को सुनना आरंभ किया, एक भी नहीं छोड़ा। फिर हमारे मुख्यालय में सीडी लेने को पहुंचे। हम उन्हें सीडी देना चाहते थे, पर वे बोले कि उसके लिए वे पैसा देंगे।
मैं कह सकता हूं कि उनका सिद्धांत बिल्कुल सही था। हमारे अधिकतर सेवक सीडी आदि की कीमत चुकाने में असमर्थ हैं। मित्रों, मैंने कई प्रदेशों में सेवकों को बड़ी दुर्दशा में देखा है। अक्सर उन्होंने मुझे अच्छी गाड़ियों में बैठाया जो घोड़े गाड़ी की तरह थी और कभी भी टूटने का अंदेशा था। अक्सर पेट्रोल रिस जाता और टंकी खाली हो जाती थी। मुझे शक होता है कि क्या हम रेलवे स्टेशन तक पहुंच भी पाएंगे। हमारे लिए यह बड़े ही शर्म की बात है कि हम अपने प्रचारकों अर्थात सेवकों को न तो समुचित वेतन देते और न ही उनकी सेवा कार्य के लिए उपयुक्त साधन उपलब्ध कराते हैं। मित्रों, अध्याय 18 बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे लिए अनेक संदेश प्रस्तुत करता है, परंतु यहाँ पर अध्याय 18 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को 19 अध्याय से जारी रखेंगे। हम अध्याय 19 में इस विषय को देखेंगे। विषय है लाल बछिया की राख। अब हम एक सबसे बड़े मजेदार भेंट बलि की चर्चा करते हैं। यह विधि लाल बछिया की भेंट बलि है जो असामान्य भी है। विधि और लाल बछिया की राख, आइए हम पढ़ें गिनती की पुस्तक 19 अध्याय उसके 1 और 2 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है कि तू इसराइलियों से कह कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ जिसमें कोई भी दोष ना हो और जिस पर जुआ कभी ना रखा गया हो। यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि यह पहली बार है जबकि एक मादा जानवर की भेंट बलि दी जाती है। हम 19 अध्याय उसके 3 से 8 पद में आगे पढ़ते हैं। तब उसे एलियाजर याजक को दो और वह उसे छावनी से बाहर ले जाए और कोई उसको उसके सामने बलिदान करे। तब एलियाजर याजक अपनी उंगली से उसका कुछ लोहू लेकर मिलाप वाले तंबू के सामने की ओर 7 बार छिड़क दे। तब कोई उस बछिया को खाल, मांस, लोहू और गोबर समेत उसके सामने जलाए और याजक देवदारों की लकड़ी, जूफा और लाल रंग का कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें बछिया जलती हो डाल दे। तब वह अपने वस्त्र धोए और स्नान करे। इसके बाद छावनी में तो आए परंतु सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो मनुष्य उसको जलाए वह भी जल से अपने वस्त्र धोए और स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। मित्रों, अब इसका उद्देश्य क्या है? हम आगे पढ़ते हैं 19 अध्याय के 9 पद में लिखा है, फिर कोई शुद्ध पुरुष उस बछिया की राख बटोर कर छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े और वह राख इसराइलियों की मंडली के लिए अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के लिए रखी रहे, वह तो पाप बलि है। मित्रों, इसका इस्तेमाल कैसे करना है? हम आगे पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक 19 अध्याय उसके 17 से 19 पद में लिखा हुआ है, अशुद्ध मनुष्य के लिए जलाए हुए पाप बलि की राख में से कुछ लेकर पात्र में डालकर उस पर सोते का जल डाला जाए। तब कोई शुद्ध मनुष्य जूफा लेकर उस जल में डुबाकर जल को उस डेरे पर और जितने पात्र और मनुष्य उसमें हों उन पर छिड़के और हड्डी के व मारे हुए के व उनकी मृत्यु से मरे हुए के व कब्र के छूने वाले पर छिड़क दे। वह शुद्ध पुरुष तीसरे दिन और 7वें दिन उस अशुद्ध मनुष्य पर छिड़के और 7वें दिन वह उसके पाप छुड़ाकर उसको पावन करे। तब वह अपने वस्त्रों को धोकर और जल से स्नान करके सांझ को शुद्ध ठहरे। मित्रों, यहाँ पर और एक विचित्र विधि है और सुनने में भी ताज्जुब होता है, परंतु इसका कारण स्पष्ट है। जब इसराइली लोग यात्रा में होते थे और कोई व्यक्ति पाप करता था तो वे तुरंत वहीं नहीं ठहर पाते, तंबू खड़ा करते, तब होम बलि या पाप बलि की विधि पूरा करते। यह सब संभव नहीं होता था। तो जब वे यात्रा में हों और कोई पाप करे तो मार्ग में वे क्या करेंगे? तब वे इसी बछिया की राख लेकर बहते हुए पानी में घोलकर उसे जूफा से उस पापी व्यक्ति के ऊपर छिड़केंगे। यह बड़ा अजीब मालूम पड़ता है कि नहीं? परंतु इसी प्रकार से परमेश्वर ने उन लोगों के पापों का प्रायश्चित निश्चित किया था। मेरे मित्रों, मुझे आपको एक दूसरी आश्चर्यजनक घटना से अवगत कराने दें। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ ऊपरोठी कोठरी पर गया
तो सबसे पहले उसने एक पानी का बर्तन लिया और चेलों के पैर धोए। उसने ऐसा क्यों किया? शमौन पत्रस को उसने अवगत कराया कि यदि मैं तुझे न धो तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 8 पद में हम इसे पाते हैं। यदि प्रभु यीशु ने पत्रस के पैर नहीं धोए होते तो पत्रस उससे संगति नहीं कर सकता था। वह पिता के पास से आया और पिता के पास उसे वापस जाना था। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। इसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 3 और 4 पद में पढ़ते हैं। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु अब पिता के पास चले गए हैं और तौलिए की सेवा से लैंस है। पानी का बर्तन परमेश्वर का वचन है और पवित्र आत्मा के द्वारा उसे व्यवहार में लाते हैं और जूफा विश्वास का प्रतीक है। जब आप या मैं आज पाप करते हैं तो मसीह पुनः मृतक नहीं बनता। पहला यूहन्ना में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 7 पद में हम इसे पाते हैं। हम देखते हैं कि ज्योति परमेश्वर का वचन है। यदि ज्योति में चलें तो हम क्या देखते हैं कि हमें गंदगी दिखाई पड़ती है और सफाई की जरूरत पड़ती है। परमेश्वर का आत्मा हमें कायल करता है। वचन कहता है कि प्रभु यीशु का लहू परमेश्वर पुत्र सब पापों से स्वच्छ रखेगा, परंतु वचन का जल यीशु के लहू की स्वच्छता को हमें प्रयोग में लाना है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, यदि हम पापों का अंगीकार करें अर्थात मान लें तो वह विश्वास योग्य है हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मित्रों, वह यहाँ इसलिए मरा कि हमें बचा ले, वहाँ भी वह इसलिए जीवित है कि हमें बचा ले। जब यीशु हमारे पापों के लिए मरा तो वह केवल उन पापों के लिए नहीं था। जब हम उसके पास आए, वह मरा हमारे पापों के लिए। जिस समय से हम उसके निकट क्रूस तले आए जब तक कि वह हमें ताज ना दे दे। मित्रों, यह मत कहिए कि उसके बाद से आपने पाप नहीं किया। पाप हमारे जीवन में यथार्थ है और जिसका इनकार बहुत से मसीही करते भी हैं। मसीही लोग कलीसिया के लिए अपने को स्वच्छ करते हैं। वे शनिवार की रात्रि में स्नान करते और रविवार को स्वच्छ दिखाई पड़ते हैं। वे अनेक प्रकार के सुगंध इत्यादि का प्रयोग करते हैं कि मंडली आज उनसे बेहतर खुशबू प्राप्त करे। कल के दिन में जब वे दूसरे प्रकार से महकते थे, परंतु ईश्वर के समक्ष उनकी महक गंदगी की है। कितने लोग उन चीज़ों को देखते थे जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। उनकी आँखें गंदी थी। सप्ताह भर कितने लोग व्यर्थ की गपशप अनाप शनाप की बातें सुनते हैं। ऐसी बातें जिन्हें सुनना ठीक नहीं। उनके कान भी गंदे थे। कुछ लोगों के हाथ गंदे थे क्योंकि इन हाथों से अनेक कार्य नहीं करना था। कुछ लोगों के पैर गंदे थे क्योंकि उन गंदे स्थानों पर नहीं जाना था। मेरे मित्रों, उनके विचार से रविवार को चर्च आने से सब कुछ ठीक हो जाता है। सब ठीक नहीं होता है। यही कारण है कि प्रभु यीशु ने पत्रस से कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो तेरा मुझसे कोई भी साझा नहीं। मेरे मित्र, यदि चर्च आराधना मृतक सी है और उपदेश नीरस लगता है तो संभवतः आपको स्नान की आवश्यकता है, एक आत्मिक स्नान की। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। मित्रों, हम झूठ नहीं बोलना चाहते, पर यदि बोलें तो उसके सामने अंगीकार करना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके पास जाकर अपने पापों को बता दें अर्थात उसे स्वीकार करें। और जब आप बताते हैं तो उसे पहले से ही आपके विषय सब कुछ मालूम होता है। यदि पाप बता देते हैं तो इससे संगति बहुत आनंदमय आश्चर्यजनक हो जाती है। मित्रों, आप उससे शुद्धता प्राप्त करते हैं। क्यों नहीं जानना चाहते हैं कि वह आपके पापों को शुद्ध करे? कोई पूछ सकते हैं कि उसके पास कितनी बार जाना चाहिए।
पर मुझे आपके विषय तो पता नहीं, परंतु मैं हर दिन बौछार स्नान लेने का प्रयास करता हूँ, अर्थात हमेशा अपने पापों के लिए क्षमा मांगता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि हर पल या कम से कम दिन में 2 या 3 बार उसे बता दूँ कि मैंने गलती की है और यह शायद नहीं देखना चाहिए था या नहीं करना था। मेरे मित्रों, केवल एक काम जो हम हमेशा कर सकते हैं कि अपने पापों का अंगीकार कर लें। मित्रों, लाल बछिया की यह भेंट बलि सचमुच अद्भुत विधि है। इसका पालन करने से इसराइलियों की जंगल यात्रा अधिक मधुर बन गई थी। जंगल यात्रा के लिए यह उनकी सुगंधित सामग्री थी जिससे वे प्रभु की संगति में चल सके। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इसराइली परमेश्वर की बातों को मानते हैं तो वह उन्हें आशीषित करता है, परंतु जब वे उससे भटक जाते हैं तो वह उन्हें सुधारता भी है। इसके लिए एक काम करना आवश्यक था कि वे अपने पापों का अंगीकार करें। क्या आपने आज तक के किए गए उन पापों के लिए प्रभु से कभी क्षमा मांगा है? हो सकता है कि आपने किसी को मारा या हत्या भी कर दिया जिसे कोई नहीं जानता, या चोरी की, और हो सकता है कि आप व्यभिचार का जीवन जी रहे हैं, नशे की बुराई में फंसे हैं, कुछ भी हो सकता है। यह सब कुछ प्रभु की दृष्टि में पाप है। और बाइबल सिखाती है रोमियों की पत्री 6 अध्याय उसके 23 पद में कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे प्रिय मित्र, यदि आप अपने पाप की मृत्यु से बचना चाहते हैं तो आज ही प्रभु के सामने अपने पापों का अंगीकार करें। वह निश्चय ही आपको क्षमा कर आपको अपनी शांति और आशीष देंगे। निर्णय आपको करना है।